हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। हमने रिट प्रिपरेशन के लिए आपको जो तैयारी स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता हमने कंप्लीट रूप से पढ़ा दिया है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें हड़प्पा कालीन पुरातत्वों से, यानी किन हड़प्पा कालीन पुरातत्वों से धान चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। धान या चावल की खेती के प्रमाण किस राज्य से मिले हैं? तो गुजरात, गुजरात से हमें धान या चावल की खेती करते थे हड़प्पावासी, इसकी हमें जानकारी, इसका साक्ष्य हमें गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, युगम सावधान, युग सावधान का साक्ष्य मिला है लोथल, लोथल से मिला है, और लोथल भी गुजरात के अंदर स्थित है। सिंधु सभ्यता का अधिकांश इलाका किस अधिकांश इलाका स्थित है? देखिए, सिंधु घाटी का अधिकतर जो इलाका है वो स्थित है, तो अधिकतर जो भाग की हम बात करें, पाकिस्तान व इंडिया, यानी भारत या पाकिस्तान या इंडिया, इन दो देशों में स्थित है। हड़प्पा का एक बंदरगाह है, हड़प्पा का एक मुख्य इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, लोथल के अंदर मुख्य इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, यानी वो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे हमें ये जानकारी मिलती हो कि वो लोहे का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के युग में रखा जा सकता है, मानव सभ्यता कि किस युग में रखा जा सकता है? तो कांस्य युगीन, यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता कांस्य युगीन थी। सिंधुवासी लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? तो सर्वाधिक आयात की बात करें तो धातु व बहुमूल्य रत्न, धातु व बहुमूल्य रत्न का सर्वाधिक वो लोग आयात करते थे। नेक्स्ट, मनको, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनके के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं, यानी सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में मनकों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन मनकों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चौहुंदड़ों से उसके प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग कपड़ा कपास इस्तेमाल करते थे, इसकी जानकारी हमें मिलती है। मोहनजोदड़ो से इसकी हमें जानकारी मिलती है। यस, योगी की मुद्रा में भगवान शिव की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, उसके ऊपर चार पशु अंकित हैं। उन चारों पशुओं के नाम बताइए, बाघ, गैंडा, बैसा तथा हाथी। फिर ध्यान सुनेंगे, बाघ, गैंडा, बैसा तथा हाथी, ये चार पशु उस योगी की मुद्रा के अंदर, मुद्रा जो प्राप्त हुई योगी की, उसके चारों ओर इनके चित्र अंकित हैं। कालीबंगा स्थित है। अगर जिले की बात करें हनुमानगढ़, राज्य की बात करें राजस्थान। सामूहिक सावधानों के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा के कब्रिस्तानों से मिले हैं। ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। ईरान की बाउंड्री के पास जो हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुआ है उसका नाम है सुत कांगडोर। हड़प्पा कालीन स्थलों में घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा नामक स्थान से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य समकालीन सभ्यता कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अन्य सभ्यता को सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता कहा जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता को सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता कहा जाता है। R37 क्या है? कब्रिस्तान। पक्की मिट्टी से बने एक हल की प्रतिकृति मिली है, यानी पक्की मिट्टी से बना हुआ एक हल की प्रतिकृति मिली है बनावली, जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति राखलदास बनर्जी सबसे पहले मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर गया था। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे मिले हैं? तो सर्वाधिक जो पुरास्थल मिले हैं सिंधु व उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सिंधु और उसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, उनके आसपास मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करें, सुत कांगडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दाशक जो नदी है उसके तट पर यह स्थित है, लोथल स्थित है। देखिए, लोथल की हम बात करें, लोथल स्थित है, तो लोथल राजस्थान या गुजरात? तो लोथल की हम बात करें, लोथल राजस्थान में स्थित है, गुजरात में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। पक्की ईंटों की विशालतम संरचना, यानी हड़प्पा संस्कृति से संबंधित या हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित एक ऐसा स्थान, ऐसे एक ऐसा विशाल संरचना स्थान मिला है जो पक्की ईंटों से बना हुआ है, तो वह विशाल अन्न भंडार गृह हैं जो पूर्ण रूप से पक्की ईंटों से बने हुए हैं। कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? कालीबंगा जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है उसमें किसके अवशेष मिले हैं? तो हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं, उनमें मुख्य रूप से नमूनों के प्राप्त हुए हैं उनमें
मुहरें व मर्द भांड ये प्राप्त हैं उस लिपि के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? देखिए उत्खनन कार्य 1922 के अंदर प्रारंभ हो गया था। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। प्रसिद्ध कांस्य की नृत्य की मिली है मोहनजोदड़ो के अंदर। और ये जो प्रसिद्ध मूर्ति जो मिली है ये वर्तमान में कहाँ रखी है? दिल्ली के नेशनल म्यूजियम के अंदर ये रखी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नगरों को बसाया गया था वो एक विशेष योजना के तहत बसाया गया था। और उस नगर योजना का या नगर नियोजन का हम वर्तमान के अंदर भी अगर हम देखना चाहें एक नगर, तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ जो नगर जिसको वर्तमान के अंदर जो बसा हुआ है वो वर्तमान में सही ढंग से सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जिस तरह नगर को बसाया जाता था वैसा ही रूप वर्तमान में चंडीगढ़ को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन थी। ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार के अवशेष के उत्खनन का स्थान है या उसकी प्राप्ति का स्थान है वो भी मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से पूजा करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पशुपति यानी भगवान शिव की वो मुख्य रूप से पूजा करते थे। जूते विख्यात के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले कालीबंगा नामक स्थान से। जूते विख्यात के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले स्वतंत्रता के पश्चात भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंधु घाटी या सैंधव सभ्यता है उससे रिलेटेड स्थानों की खोज की गई है? गुजरात के अंदर सर्वाधिक स्थानों की स्वतंत्रता के पश्चात भारत के गुजरात नामक राज्य से सबसे अधिक संख्या में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध क्षेत्रों की खोज की गई है। और स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम खोजा गया स्थान रंगपुर। सैंधव सभ्यता के हथियार निम्नलिखित में से किसके नहीं बने होते थे? प्रश्न यह है किसके नहीं बने होते थे? लोहे के वे बने हुए नहीं होते थे, क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे आयरन की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा उन्हें पत्थर, तांबा व काश्य इन सब की उन लोगों को जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के या सैंधव सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे किन किन अन्य क्षेत्रों से? उनके व्यापारिक संबंध थे सुमेर, ईरान व बहरीन, इन क्षेत्रों से उनके व्यापारिक संबंध थे। सिंधु सभ्यता आद ऐतिहासिक काल से संबंधित है। भूकंप आने की सर्वप्रथम हमें प्रमाणिक जानकारी किस स्थान से मिलती है? कालीबंगा से हमें सर्वप्रथम इसकी जानकारी मिलती है। किस सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास की खेती करने की शुरुआत की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास की खेती करने की शुरुआत की थी। किस काल में किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके जो उत्खनन कार्य हुआ है इसे किसी भी स्थल में हमें मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जो टॉपिक आपको पढ़ाया था उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने आपको रिविजन करवा दिया मुख्य रूप से। इसके अलावा इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार देखें, इससे ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या NCERT की जो बुक्स हैं उनका भी गहन रूप से अध्ययन करें, ताकि कुछ इन वीडियोस को वगैरह को आप बार बार देखें तो ये टॉपिक पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा एफर्ट्स अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।